हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? गाइज, आज के अपने स्टूडियो में मेरी तरह यूट्यूब सब्सक्राइब एनिमेशंस बनाना सीखेंगे। गाइज, इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब चैनल आर्ट के ऊपर डाला था कि कैसे प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल आर्ट बनाते हैं, साथ में उस वीडियो में मैंने सरप्राइज गिव अवे के बारे में बताया था। सो अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाइए कीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे सरप्राइज गिव अवे मैं प्लान कर रहा हूँ जो कि जल्द आने वाले हैं, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो वीडियो है सब्सक्राइब गिव अवे की, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, यूट्यूब सब्सक्राइब एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पे हम काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। तो आपके पास अगर काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, अन्यथा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो काइनमास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको एड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ से जो हम एनिमेशन बना रहे हैं उसका जो एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ले लेना है। गाइज, यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, जो मेरा काइनमास्टर है इसमें वाटरमार्क नहीं आता। जो प्रीमियम वर्जन है, प्रो वर्जन काइनमास्टर का, वो मैं फ्री में इंस्टॉल किया हूँ। एक टेक्निक है, एक ट्रिक है जिसके तहत आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया हूँ। अगर आप भी बिना वाटरमार्क का काइनमास्टर यूज करना चाहते हैं ताकि आपका वीडियो प्रोफेशनल लगे, तो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मिल जाएगा आई बटन में, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ से हमें सब्सक्राइब बेल एनिमेशन का एक टेम्पलेट है ग्रीन स्क्रीन का, जो कि यहाँ पे ऐड करना है। ये आपके पास नहीं होगा, लेकिन मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, और भी बहुत सारे सब्सक्राइब एनिमेशंस के लिंक भी डाला हूँ। सो आप सारे सब्सक्राइब बेल एनिमेशंस वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो मैं टेम्पलेट्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपको इसी तरह अपने गैलरी से ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे आपको ये वाला टेम्पलेट ऐड कर लेना है। ये टेम्पलेट ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें अपना प्रोफाइल पिक्चर यानी कि यूट्यूब का जो लोगो है वो, और साथ में चैनल नेम ऐड करना है, और उसके अंदर कुछ एनिमेशंस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम अपना यूट्यूब का लोगो ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके डिवाइस में जहाँ भी आपका लोगो है ऐड कर लेना है। लोगो ऐड करने के बाद सिंपली हमें लोगो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और कुछ इस तरह से छोटा करते हुए इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। लोगो को प्लेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो टाइमलाइन में हमारा लोगो का साइज है वो सही से एडजस्ट नहीं है ग्रीन स्क्रीन के साथ, तो इस पे सिंपली ऐसे क्लिक करके इसको ड्रैग करके सामने कर देना है, और इसका साइज छोटा है तो इसे एक्सटेंड करके ग्रीन स्क्रीन के बराबर कर देना है। इसके बाद जो है हमें इसके अंदर एनिमेशन डालना है, जैसे कि हमारा जो टेम्पलेट है वो स्लाइड अप और स्लाइड डाउन हो रहा है, तो इसी के साथ हमारे लोगों को भी सिंक्रोनाइज करना है, स्लाइड अप करना है और स्लाइड डाउन करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इन एनिमेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड अप का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल कर देना है। सो ये इन एनिमेशन स्लाइड अप का आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। ऐसे ही हमें फिर से इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इस बार आउट एनिमेशन ऐड करना है। आउट एनिमेशन में आपको स्लाइड डाउन वाला सेलेक्ट करना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। ये काफी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। देन जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें अपने यूट्यूब चैनल का नेम या फिर कोई भी टैगलाइन वगैरह है तो यहाँ पे ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहां से आपको अपने चैनल का नेम ऐड करना है, देन यहां ओके पे क्लिक कर देना है। सो यहां पे जो आपका चैनल नेम है वो यहां से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको डबल ए का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करके आपको बहुत सारे यहां फॉन्ट मिलेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहां पे आपको फॉन्ट रख लेना है। यहां से हम रॉबर्ट ब्लैक यूज करते हैं, देन यहां राइट पे क्लिक कर लेना है। यहां से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहां आपको राइट साइड में व्हाइट कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करेंगे तो आपको बहुत सारा यहां पे कलर मिलेगा। तो यहां से हम चलिए कलर रेड ले लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ग्रीन नहीं रखना है, क्योंकि जब भी हम इसे अपने वीडियो में ऐड करेंगे इस एनिमेशन को, और क्रोमा की इफेक्ट से इस ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे, तो हमारा जो नेम होगा टेक्स्ट अगर ग्रीन कलर का होगा तो वो भी हट जाएगा। सो हमें दूसरा कलर रखना है ग्रीन को छोड़ के, तो यहाँ पे हमें इसे ऐड कर लेना है अपने नेम को, और कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देना है। नेम को प्लेस करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ से आप चाहें तो नेम के पीछे जो आपका चैनल नेम है शैडो या फिर ग्लो या फिर आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं ताकि ये और विजिबल हो। चलिए यहाँ से हम इसे आउटलाइन दे देते हैं, यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। यहाँ आउटलाइन कुछ ज़्यादा हो गया तो आपको इसे सिंपली कम कर लेना है। इसके बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद गाइज आप यहां देख सकते हैं जो टेक्स्ट हमने ऐड किया इसका साइज भी ग्रीन स्क्रीन से छोटा है, तो इसको भी एक्सटेंड करके इसके बराबर कर लेना है। देन हमें इसके अंदर भी एनिमेशन डालना है, एनिमेशन जैसा हमने लोगो में डाला स्लाइड अप और स्लाइड डाउन इन और आउट एनिमेशन, इसके अंदर भी ऐड करना है। सो सिंपली यहां इन एनिमेशन पे टैप करना है, देन यहां स्लाइड अप का एक ऑप्शन मिलेगा आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है, देन फिर इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करके स्लाइड डाउन एनिमेशन ऐड कर देना है। सो यहाँ पे हमारा जो है ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट बन चुका है। सो यहाँ मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा जो एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। सो ऐसा करके आप भी जो है अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबल एनिमेशन बना सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ उसमें नॉन कॉपीराइटेड वीडियो जो है कहाँ से आप डाउनलोड करें, जैसे कि फैक्ट पेज या फैक्ट्स वाले चैनल बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की वीडियो प्ले होता है जो कि नॉन कॉपीराइटेड होता है, वो कहाँ से आप डाउनलोड करें इस पर मैं ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।